सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 मित्रता से संबंधित प्रश्न 5 से लेकर 8 तक समझेंगे। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। बच्चों, संज्ञा के बारे में तो आपको पता ही है, संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की जानकारी देते हैं, उन शब्दों को ही संज्ञा शब्द कहा जाता है। आइए अब हम इन दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट लेते हैं। सबसे पहला वाक्य है, शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। यहाँ पे कौन कौन से संज्ञा शब्द आए हैं? शिकारी, जाल, पशुओं। दूसरा वाक्य है, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द हैं घास और मैदान। तीसरा वाक्य है, उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। इस वाक्य में संज्ञा शब्द हैं पेड़, सलोनी, कोयल और घोंसला। इस तरह से बच्चों आपने भी इस प्रश्न में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा लगानी है। आइए अब करते हैं प्रश्न 6। नीचे दिए गए शब्दों से दो दो वाक्य बनाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों से संबंधित हमने दो दो वाक्य बनाने हैं। जैसे कि यहाँ शब्द दिए गए हैं उस पेड़ पर। उस पेड़ पर से संबंधित मैंने वाक्य बनाए, उस पेड़ पर कोयल का घोंसला था, और दूसरा उस पेड़ पर आम लगे हुए थे। अगले शब्द हैं हिरन को देखते ही। हिरन को देखते ही मैंने पहला वाक्य बनाया है, हिरन को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। दूसरा वाक्य है, हिरन को देखते ही शिकारियों ने जाल बिछा दिया। इस तरह से बच्चों आप मेरे द्वारा बनाए गए वाक्यों के अलावा अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न 7। नीचे दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। बच्चों, मुहावरों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि मुहावरों का प्रयोग हम अपनी बात को विशेष तरीके से प्रकट करने के लिए करते हैं, क्योंकि हर बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक होता है साधारण तरीका और दूसरा होता है विशेष तरीका। जब हम अपनी बात को विशेष तरीके से प्रकट करते हैं तब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, ये तो हो गया मेरी बात को कहने का साधारण तरीका। और दूसरा, जब मैं इसी बात को विशेष तरीके से प्रकट करूंगी तो मैं कहूंगी कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना एक मुहावरा है और इसके द्वारा मैंने अपनी बात को विशेष तरीके से प्रकट किया। इस तरह से हम मुहावरों का प्रयोग कब करते हैं? जब हमने अपनी बात को विशेष तरीके से प्रकट करना होता है। आइए अब हम इन दिए गए मुहावरों के अर्थ जानकर इनसे संबंधित वाक्य बना लेते हैं। पहला मुहावरा है, मुंह में पानी आ जाना। मुंह में पानी आ जाना मुहावरे का अर्थ होता है लालच करना। और इससे संबंधित वाक्य मैंने बनाया है, मिठाई का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। दूसरा है, दाल में कुछ काला होना। बच्चों, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ गड़बड़ होना। हिरन और लोमड़ी की मित्रता को देखकर सलोनी कोयल समझ गई कि दाल में कुछ काला है। बच्चों आप मेरे द्वारा बनाए गए वाक्यों के अलावा अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। आइए करते हैं प्रश्न 8। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर अपने शब्दों में छोटी सी कहानी लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ एक चित्र दे रखा है जिसमें आप देख रहे होंगे बहुत से जानवर दे रखे हैं। अब हमने इस चित्र को ध्यान से रखते हुए एक छोटी सी कहानी बनानी है और उस कहानी को यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कहानी लिखी है, आप मेरे द्वारा लिखी गई कहानी के अलावा अपनी शब्दों में भी कहानी लिख सकते हैं। एक बार
जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई। इस सभा का विषय था जंगल हमारी जीवन रेखा। शेर ने सभी जानवरों को संबोधित करते हुए कहा कि शहद से कुछ लकड़हारे और शिकारी हमारे इस जंगल को बर्बाद करना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर उन्हें ऐसा करने से रोकें। शेर ने सभी जानवरों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। सभी जानवरों ने अपने अपने काम को अच्छे से पूरा करने की शपथ ली। इस तरह से बच्चों, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे कहानी लिख सकते हैं। ये थे आपके भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 से संबंधित प्रश्न 5 से लेकर 8 तक। आपने इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में करना है। धन्यवाद।